Hi guys, good afternoon. My name is Narendra Kumar. Welcome to our channel Unacademy Studios World. How are you? And happy Ganesh Chaturthi to all. And Ganesh ji ko bola jata hai ki ek badi pious and auspicious beginning karte hain. So okay. So we should also keep in our mind the same thought. So it's a pious and a very energetic beginning for all of us. ओके ऑलवेज बिलीव कि नहीं यार करना है करना है बिकॉज हम लोग क्या गिव अप कर देता है. हर रोज़ बच्चे बात करते हैं मुझसे सर नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो रहा है. थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आप परेशान हो जाते हो. चार क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू आंसर फोर और फाइव क्वेश्चंस या फोर और फाइव में मार्क्स लेस हो गया एंड यू गिव अप वेरी इजिली. इस तरह से लाइफ कैसे जियोगे यार. ठीक है सो टफन अप थोड़ा सा एंड होप रखो कि यस बिल्कुल हो जाएगा. एंड रिमेंबर लुक अराउंड. ठीक है द सक्सेसफुल पीपल नॉट द बहुत बड़े बड़े लोग. मैं टाटा बिरलास की बात नहीं कर रहा. आपने आसपास लोगों को देखो. आईएएस पीसीएस लोग होते हैं उनको देखो. कंपनी के सीईओज बनते हैं उनको देखो. गूगल सीईओ ठीक है ना माइक्रोसॉफ्ट सीईओ इन लोगों को देखो. आप लोग दे ऑल वर्कड हार्ड एक्चुअली. कोई किसी को ईजी नहीं मिला है. ठीक है दे यूज टू वर्क ऑन ए प्रॉब्लम फॉर थाउजेंड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स फिफ्टी टाइम्स उन्होंने काम किया होगा. तो यार सब लोग वही काम करके आगे बढ़ाए तो हम लोग भी कर सकते हैं. राइट सो इट्स नॉट और ऐसा नहीं है कि हमको स्पेशल चाइल्ड ने गॉड का कि हमारे लिए तो स्पेशल गिफ्ट आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. प्लीज डोंट वेट फॉर दैट. ओके गॉड इज वेटिंग फॉर यू टू एक्ट सो दैट वो गिफ्ट आप अपना ले सको. ऑलराइट चलो प्लीज शेयर कर दो एंड देन वी विल स्टार्ट. कितना लोग आ गया है. ओ आसिफा हाय गुड टू सी यू. शिखा रानी बिन्नीला बिल्ला हेलो. पूर्णिमा सिंह हेलो पूर्णिमा सिंह. ओके पूर्णिमा इज इट योर फर्स्ट क्लास. सब कुछ ठीक हो जाएगा. कार्टोज गेमिंग हाय कार्टोज आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हैव यू वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस जंबल्ड पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फ्रेज कनेक्ट ठीक है ना सेंटेंस जंबल्स ओके एंड इन्फरेंस स्टेटमेंट क्वेश्चन. दीज आर द न्यू पैटर्न क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स मोस्टली दे डू दे इग्नोर दीज क्वेश्चन एक्चुअली इन एग्जाम्स. दे आर नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड द डायरेक्शन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन और आंसर. ठीक है लेकिन मैंने उन कहानियों को बहुत ईजी बना दिया है. आई हैव अ ट्रिक फॉर ऑल दीज क्वेश्चन. तो प्लीज़ गो एंड वॉच. इफ यू हैव वॉच प्लीज लेट मी नाउ कि सर मैंने ये टॉपिक्स देख लिए हैं प्लीज लेट मी नाउ. ओके हाय मयंक गुड टू सी यू. पलक कश्यप कृति यादव क्या बात है आप लोग. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज बच्चा लोग आएगा कि बिकॉज यू गाइज आपको एक बहाना चाहिए फॉर फेस्टिवल्स का. हम इंडिया में है क्या फेस्टिवल्स. ओके नो डिसरेस्पेक्ट बट हम लोगों को बस बहाना चाहिए कुछ भी जाने का. हम लोगों का लाइफ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है. वी डोंट हैव मनी वी डोंट हैव सक्सेस वी डोंट हैव आर रिस्पेक्ट नथिंग. ओके एंड स्टिल हम लोग इधर उधर की चीज़ों में तुरंत भाग जाते हैं. आई रिमेंबर ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था मैं संडे को एंड पूरी क्लासेस खाली पड़ी हैं. 40, 50, 60 स्टूडेंट्स हुआ करते थे पूरा क्लास खाली पड़ा है. ठीक है वो दीज आर द सेम गाइज दे क्राई यू नो दे फील डिप्रेस्ड कि सर जॉब नहीं मिल रहा है एंड देन बूम चार दिन की छुट्टी आपने कर दी. एक ट्रू जो लोग सच में परेशान होते हैं जो सच में जिनके पैशनेट होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं लेते हैं. ओके सेलिब्रेट करो दो मिनट का सेलिब्रेट करो नमस्ते करो वी आर डन वी आर ओके but don't get fooled don't get blinded. okay guys so I appreciate ki aap log watch kar rahe and I love that thing about you. okay so keep it up. you guys made a choice to learn not to get distracted. so you have no idea ki aap you know ki aap realize nahi kar rahe ki kitni important baat hai but I can tell you I have been there I have lived all this life. okay whatever jo main bolta hu na it's my experience my observations. ओके सो आई कैन टेल यू आप लोग बहुत आगे जाएगा पक्का आगे जाएगा. दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट ठीक है ना दैट बिल्ड्स आर करेक्टर ट्रस्ट मी द लिटिल थिंग्स दीज टाइनी थिंग्स आपको एक बहुत बड़ा जाइंट पर्सन बनाएगा. ठीक है ऑल राइट सो आई लव दैट. और गाइस शेयर करना स्टार्ट कर दो स्टार्ट शेयरिंग. रजनीश हाय ठीक है स्टार्ट शेयरिंग कर दो कि टुडे फाइनली वी हैव लैला मजनू स्टोरीज द फ्रेजल वर्ब स्टोरीज फिक्स्ड प्रीपोजिशन स्टोरीज. ठीक है उनको पढ़ने वाले हैं और दिस इज द चैप्टर वन सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. एक्चुअली सब लोग आ जाओ. हेलो चलो ठीक है वी हैव टू थ्री मिनट्स
तब तक प्लीज सबको शेयर कर दो, ऑल टेलीग्राम ग्रुप्स, ऑल फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप, सबको इन्फॉर्म कर दो गाइज लेट्स लर्न समथिंग सम न्यू फ्रेजल वर्ब्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर जितना स्टोरी है, दिस ऑल स्टोरीज आर वेरी पावरफुल बिकॉज आपको वो मार्क्स दिलाएगा एग्जाम में. मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो. जो आपको नहीं जानना चाहिए वो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर मोर देन 1 मिलियन वर्ड्स, मोर देन 10 लाख वर्ड्स. हम सब नहीं सीख सकता, कोई भी टीचर कोई भी 10 लाख वर्ड नहीं सीख सकता, बट वी नीड 3-4 थाउजेंड वर्ड्स टू द पॉइंट फॉर आर एग्जामिनेशन. दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. ऑलराइट, यस, वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, टुडे 5 to 6 PM न्यू पैटर्न ग्रामर कोर्स, पहला क्लास है द पैड कोर्स, द प्लस कोर्स, अनअकैडमी प्लस, प्लीज सब्सक्राइब. इनफैक्ट यू हैव 7 डेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट, ओके, 7 डेज फ्री वाला. तो आज आओ क्लास, देखते हैं कैसे क्लास होता है. गेट टू नो, गेट फैमिलियर, यू नेवर नो कि आप बहुत कुछ मिस कर रहा हो. चेकआउट कर लो, अब तो फ्री है आपके लिए. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके, एंड देन 7-8 न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होने वाला है. ऑलराइट, सो मैं आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाने वाला हूँ, एंड देन लेटर ऑन आई विल कंटिन्यू विद एक्स्ट्रा 100. वैसे 100 में काफ़ी हो जाएगा, आई कैन टेल यू, आई नो कौन सी 100 वो फ्रेजल वर्ब्स हैं दैट यू शुड नो फॉर योर एग्जाम, फॉर SSC, फॉर CDS, फॉर बैंक, फॉर कैट एग्जाम, फॉर एवरी एग्जाम, फॉर एवरी एग्जाम. ऑल राइट, अभी भी 7 लोग शो कर रहे. ओ 21, थैंक यू जशपाल जी, थैंक यू. ऑल राइट गाइज, फॉर द न्यू गाइज दिस इज माई टाइमिंग, इसको नोट कर लो, 12 PM है 9 PM. ऑल राइट, दिस इज द नेम, प्लीज सर्च कर लो. आई एम श्योर इफ यू हैव पैड ऑन अनअकैडमी प्लस तो यू हैव द सब्सक्रिप्शन. सर्च दिस, सर्च माई नेम नरेंद्र कुमार, कोर्स ऑन न्यू पैटर्न एरर IPSPO 2019. ओके, इवन इफ यू आर एन अ प्लस सब्सक्राइबर, देन सब्सक्राइब 7 डेज फॉर फ्री. ओके, एंड गेट टू नो एवरीथिंग, ये सर्च कर लेना. सी यू एवरीवन, आज 5 बजे, और ठीक है ना, 5 बजे आज शाम को. ऑलराइट, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड मेक श्योर यू यूज माई कूपन कोड. ओके, आई कैन टेल यू दिस इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, Unacademy. Okay, a phenomena which has changed and will change the face of education. The way we teach, the way we learn, the way we score marks. Okay, अब आपका न तो आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, न कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा लगेगा, बहुत मिनिमम पैसे में बेस्ट ऑफ द मटेरियल आपको, कंटेंट डिलीवरी क्लासेस मिलने वाला है, एंड बेस्ट ऑफ द गाइडेंस. Okay, so it's your responsibility as well to share with everyone, let everyone know. और अपनी लाइफ बनाओ सबसे पहले अपनी लाइफ बनाओ. Oh, 29 guys. Thank you for 29 guys. I'm surprised. Okay. And you can subscribe for 6 months, 1 year or 2 year. 1 year ke liye to pakka jao because it will take 1 year to get your job at least. Agar koi exam qualify karte ho. So that means in between aapka preparation continue rahega. Theek hai? So go for 1 year, 1 year. All right. So guys, are you ready? Hello. Chalo comments dekh lete, kon kon kya bol raha hai. कार्टोस, यस, थैंक यू कार्टोस, कीप वॉचिंग एंड लीव अ कमेंट ऑलवेज सो दैट आई वुड नो कि यू हैव बीन देयर. यस, प्रिंसेस नेहा, हाय नेहा, ठीक है, ऑलवेज बी अ प्रिंसेस एंड गेट अ जॉब. पहले SBI PO बनो, IPS PO, एंड देन UPSC बनो, बी द बेस्ट प्रिंसेस. ओके, ऑल राइट, और कौन क्या बोल रहे हैं. यस कृति यादव, दैट इज द एटीट्यूड आई लाइक, मेरा भी वही है. Okay, if I'm not working, if I don't have the money, there is no happy Diwali for me. घर वालों को क्या गिफ्ट दूंगा भाई, समझ गया कि नहीं. सो प्रायोरिटीज अपनी सही कर लो, डोंट गेट ब्लाइंडेड बाई रिचुअल्स, रिलीजन और वॉट एवर. रिस्पेक्ट, लव, बट डोंट इंगेज, गेट इंगेज टू मच, इट विल किल एवरीथिंग. ओके, बी लॉजिकल, बी सेंसिबल, रिस्पेक्ट एवरी वन. ओके, बट स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, योर एक्सीलेंस शुड बी योर रिलीजन. ओके, योर सक्सेस वुड बी योर रीजन गाइस, समझ जाओ. यस, रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड आप देख सकते हो. टॉपर गर्ल है रंजीब और कृति यादव. ओके फाइन, चलो अब मैं स्टार्ट कर देता हूं गाइस. सो 100 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और प्लीज़ लेट मी नो कि सर आप जानते थे नहीं जानते थे. जैसे सपोज मैंने 20 आपको पढ़ाया, तो 20 से बताना कि सर 10 मुझे पता था, 10 नहीं पता था. एंड जो आप जानते हो, फील कंफर्टेबल, रिवाइज, रिवाइज. एंड हर जो चीज़ आप नहीं जानता है, प्लीज़ राइट,
I hope you carry a pen paper with you, you know, in my classes. Always have a pen paper. और उसको लिखना अगर आप नहीं जानता है तो. Ready हो भाई लोग, start करूँ? Shall we start? I think इससे ज़्यादा नहीं आ रहे लोग. परमजीत यादव, हाय, थैंक यू परमजीत फॉर बीइंग हेयर. परमजीत, इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स. ओके, पैराजंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज कनेक्टर, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, सबको शेयर करना जाके. वॉच माय प्रीवियस वीडियोस. विनय त्रिपाठी, ओके, फ्रेजल वर्ब्स का चलो अब बताते हैं. फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, सुनो, फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, अ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन लगा दो, फ्रेजल वर्ब बन जाती है. लुक आउट, लुक इनटू, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, समझ गए ना आप लोग, हम सब ने पढ़ा हुआ है बचपन से. सो हमारी फ्रेजल वर्ब्स का सबसे याद करने का तरीका, द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज रीड. ऑफकोर्स वी डोंट रियलाइज, बट एवरी टाइम वी आर रीडिंग फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स. इफ यू रीड एन आर्टिकल ना, तो एटलीस्ट आप 15-20 फ्रेजल वर्ब्स उसमें पढ़ चुका है ऑलरेडी. अब हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हे सर कहाँ है फ्रेजल वर्ब, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है. नो वे, वेन एवर यू फाइंड अ वर्ब ना, और उसके पास में अगर कोई प्रीपोजिशन मिल जाए, ऑन, इन, एट, फ्रॉम, ऑन टू, समथिंग, डाउन, फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब एवरीवेयर. अभी देखो आपके आसपास पीछे फ्रेजल वर्ब बैठा होगा, आपके पीठ के पीछे बैठा होगा फ्रेजल वर्ब एवरीवेयर. ओके, समझ गया कि नहीं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिल जाए, दैट कॉम्बिनेशन इज अ फ्रेजल वर्ब. ओके, तो देखो, और एडवर्ब भी होता है कई बार. लुक डाउन, डाउन क्या है, एडवर्ब प्लेस है. ऑलराइट, तो अगर वर्ब में इफ वी एड अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब इन अ वर्ब, फ्रेजल वर्ब हो जाता है. आई होप इट इज क्लियर, इट्स नॉट अ बिग स्टोरी. हाई सोनिया, ओ 37, यस नेहा, इफ यू कैन वॉच माई ऑल प्रीवियस वीडियो ना, आई कैन टेल यू, यूल बी द सुपर स्टार प्रिंसेस, विच सेकंड, हु इज अ सुपर स्टार, आई कैन टेल यू, एंड यू विल टीच थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यू विल इनकरेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल. सो प्लीज डू दैट, अपना करो, एंड देन हजारों लोगों को चेंज करो. दैट इज हाउ, सेल्फिश मत बनो. चलो भाई, चलो चलो चलो, जैसे हमारे पास में एक फ्रेजल वर्ब है, पुट आउट. ठीक है, तो पुट इज अ वर्ब एंड आउट इज अ प्रीपोजिशन. तो पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश कर देना. ठीक है, कहीं पे आग लग गया, ठीक है, देयर इज अ फायर, एंड देन पुट आउट द फायर, एक्सटिंग्विश कर दिया उसको. ऑलराइट, टू मेक फायर स्टॉप वर्किंग, आई एम सॉरी यू कांट स्मोक इन हियर, प्लीज पुट आउट योर सिगरेट, अपनी सिगरेट को बुझा दो. ठीक है, तो पुट आउट, तो पता है क्या होता है, सम फ्रेजल वर्ब्स लाइक, उनका लिटरल मीनिंग बहुत ईजी हो जाता है, बट सम फ्रेजल वर्ब्स आर लाइक इडियम्स. ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग एज इट इज ट्रांसलेशन, बट फिगरेटिव मीनिंग इज लाइक अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम लिटरल, डिफरेंट ही कॉन्टेक्स्ट हमारा जाता है, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव मीनिंग. ओके, सो देयर आर सो मेनी फ्रेजल वर्ब्स जिनका फिगरेटिव मीनिंग होता है, जस्ट लाइक इडियम्स. ऑल राइट, हाय राजा लक्ष्मी, ओके, चलो गाइज, द फर्स्ट वन इज, देखो देयर आर सो मेनी गाइज जो यहां पर रेगुलर है. You have been following my 500 error detection series. Remember, I used to tell you, yaar, phrasal verb, Laila Majnu story. Ye galat ho gaya. Because this verb needs down. Bas iske is verb ke paas on likha hua hai, incorrect ho gaya. Wahi aaj hum seekhne wale hain. Theek hai? Ye ganga kahan se nikli, hum gangotri pe aa gaya hai. Wo error, samajh gaye na hum log? Hum wahan pe pahunch gaya jahan se error start hoti hai. To we will memorize all these verb and preposition and adverbs combination. और फिर हमको जब ये नेक्स्ट टाइम, वेन एवर वी विल फाइंड आउट दीज वर्ड्स इन अ सेंटेंस ना, बूम, वी नो दैट, हमसे अब कभी गलत नहीं होगा. गाइज रेडी हो? तो द फर्स्ट वन इज बॉइल डाउन टू. ठीक है ना, तो देखो बॉइल डाउन टू का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं. टू हैव डिटरमाइंड, एनालाइज, सॉल्यूशन, रीजन फॉर समथिंग. ठीक है, सपोज यू गो टू कॉलेज, यू स्टडी फॉर 3-4 years, एंड देन यू अटेंड क्लासेस. So everything boils down to success. ये सारी जो प्रोसेस आप करते हो ना, कॉलेज जाना, फीस देना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीचर के पास जाना, ठीक है ना, और घर पे आप पढ़ाई करते हो, तो इस सब का कंक्लूजन क्या है, द फाइनल रिजल्ट क्या है, इट ऑल्स बॉइल्स डाउन टू सक्सेस. तो सक्सेस में आकर के सारा कुछ खत्म हो जाता है हमारा. तो इस तरह का हमारा मीनिंग होता है भाई. ऑलराइट, तो देखो, ऑनेस्टली इट डज ऑल जस्ट बॉइल डाउन टू द नीड टू लर्न समथिंग. ओके, तो मतलब कि आप लोग जॉब करना, यू वांट योर जॉब, यू वांट सक्सेस इन लाइफ, यू वांट रिस्पेक्ट इन लाइफ. ठीक है, और इन सब चीज़ों के पीछे जो कंक्लूजन निकल के आता है वो क्या है, कि इट डज ऑल जस्ट बॉइल डाउन टू द नीड ऑफ लर्न समथिंग, द नीड टू लर्न समथिंग. ठीक है,
टू हैव डिटरमाइंड एनालाइज सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक एनालाइज सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि भाई ये करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बी दैट पर्सन यू हैव टू डू दैट. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डिसिप्लिन, अटेंडिंग क्लासेस. ओके, मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको. एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना. इफ यू रियली वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन आईपीएस पीओ एग्जाम, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू थ्री एक्टिविटीज. If you really want to score 100 out of 100 in PO pre-exam, it all boils down to three activities: reading newspaper daily, attempting mock test, and attending classes. Remember? Okay. अब आपको clear हो गया है? Please clear होता जाए, बोलते जाना. Otherwise, I'll give you thousands of examples. Everyone, please participate. Otherwise, आप नहीं सीख पाओगे. बार-बार सुनो, अपने example बनाओ. जसपाल ने बनाया अपना example. Read these examples. And if it is clear, बता दो सर, हाँ, finally समझ में आ गया. If not, please let me know. Come on. Their endless fights all boil down to their stubbornness. तो उनकी पता है फाइट क्यों हो रही थी? What was the reason? What was the final conclusion is their जिद्दीपन. Their stubbornness is the reason behind their fights. Because of fights, because of their stubbornness, they are fighting. Okay. Thank you guys. Thank you. We are 39. थोड़ा और शेयर कर दो. Make it 45. Make it 50. 50 रन तो बनता है रोहित शर्मा का. इन द एंड ऑल बॉइल डाउन टू द हु वाज विलिंग टू मेक द सैक्रिफाइस. इन द एंड द केस विल बॉइल डाउन टू वेदर द ज्यूरी बिलीव्स स्मिथ और नॉट. तो आई थिंक फर्स्ट क्लियर है. थैंक यू. नेक्स्ट गाइस, बीफ ऑफ, ठीक है, डोंट गेट मिस्टेकन. ओके, बीफ से परेशान मत हो जाना. प्लीज गाली मत देना. इट्स इंग्लिश फ्रेजल वर्ब. नथिंग हैज टू डू विद रिलीजन और वॉट एवर सोसाइटी. प्लीज ओके, डोंट किल मी. ओके, सो देखो, बीफ ऑफ इसका मतलब होता है टू मेक चेंजेस और एन इंप्रूवमेंट. तो बी मेक चेंज इन अ प्लान ना, इन अ पीपीटी, इन अ पीडीएफ, इन अ प्लान और वॉट एवर अ इंप्रूवमेंट, दैट्स कॉल्ड बीफ्ड अप. सपोज कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके शहर में. पता आप कहां से हो? प्रयागराज का एक बंदा था उस दिन. देर वॉज अ गाय फ्रॉम प्रयागराज, ठीक है. तो ठीक है, वहां पर मोदी जी जा रहे हैं. तो क्या है, द सिक्योरिटी हैज बीन बीफ्ड अप. सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है, चेंज कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, इंक्रीज कर दिए, बीफ्ड अप. ओके, तो टू मेक चेंजेस और इम्प्रूवमेंट. ओके, कहाँ से पढ़े, शर्मा बीफ्ड अप देयर होम बाय हैविंग अ स्विमिंग पूल बिल्ट. स्विमिंग पूल बना करके उन्होंने घर को बीफ्ड अप कर दिया, इंप्रूवमेंट कर दिया. गाइज क्लियर? हेलो, कौन कौन है? 43 आ गए. थैंक यू सो मच गाइज. अक्षय साहू, चलो किसी का डाउट तो नहीं है ना. मयंक चौस्की, मयंक गुड टू सी यू एवरी डे. आई लाइक दैट. दिस इज द बिगिनिंग. ओके, ये बिगिनिंग है हमारा टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. ट्रस्ट मी, नॉट बिकॉज दिस इंग्लिश और माई क्लास, बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड. योर एटीट्यूड विल डिफाइन यू. ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू. दे नीडेड टू बीफ अप देयर साइंस प्रोजेक्ट मोर इन ऑर्डर टू विन द कंटेस्ट. सिक्योरिटी अराउंड द सिटी विल बी बीफ्ड अप ड्यूरिंग द इवेंट. देयर इज अ इवेंट गोइंग ऑन, गणेश चतुर्थी. तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. गाइस क्लियर? अगर टू क्लियर है प्लीज टाइप टू क्लियर, वन क्लियर, थ्री क्लियर, फोर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर. प्लीज बताओ बीफ ऑफ. प्रॉब्लम होता है मैं बताऊंगा इनका मिस्टेक. आई विल कंडक्ट अ क्विज बेस्ड ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स, लैला मजनू स्टोरीज. आई विल हेल्प यू मेमोराइज एंड रिवाइज. ओके, यस प्रियंका गहलोत, ऑसम. थैंक यू. नेक्स्ट ब्रेक थ्रू. एक ब्रेक थ्रू का तो मेरा फेवरेट मीनिंग है, ठीक है ना. ठीक है, मैं कैसे एग्जांपल दूं? चलो साइंस का एग्जाम दे देता हूं. सपोज देयर इज अ वन साइंटिस्ट, ही हैज बीन वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी फॉर लाइक 20 इयर्स एंड देन बूम एडिशन, बल्ब जल गया. ब्रेक थ्रू मोमेंट, समथिंग हैपेंस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम. ब्रेक थ्रू मोमेंट ये पढ़ो. अचीव सक्सेस इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो मैनी टैलेंटेड प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग टू ब्रेक थ्रू, ठीक है ना. तो बहुत सारे प्लेयर्स अचीव ब्रेक थ्रू के लिए, सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं. तो ब्रेक थ्रू का मेरा सबसे फेवरेट मीनिंग तो यही है, ठीक है ना, कि इट वॉज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट. इंडियन गवर्नमेंट गोल्ड इंडिया में ढूंढ रहा है, या फिर ऑयल ढूंढ रहा है, ऑयल पेट्रोल इंडिया में ढूंढ रहा है, ठीक है. और फाइनली पता चला कि इन 500 किलोमीटर, ठीक है ना, एरिया में बहुत ज्यादा ऑयल मिल गया. इट वॉज अ ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर इंडिया. ओके, तो एक मीनिंग तो ये है.
दूसरा टू मेक वे थ्रो और बैरियर ऑफ सरफेस, एक होता है ब्रेक थ्रो, तोड़ के निकल जाना, सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं और आप टसर में जा रहे हो गाना गाते हुए, तोड़ के चले गए, ठीक है। द बर्गलर ब्रोक थ्रो द बैक डोर, ठीक है ना, बर्गलर चोर लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। अब सिंगल फ्रेजल वर्ब्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग, सो प्लीज नो ऑल मीनिंग्स, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। 48, थैंक यू गाइज। मैं देखता हूं विशाल कहां है तुम्हारा, चलो। यस, यू विल हैव योर ब्रेक थ्रो, एवरीवन विल हैव अ ब्रेक थ्रो, ठीक है ना, इन हिज और हर रिस्पेक्टिव लाइफ्स, ट्रस्ट मी, कीप गोइंग, इट टेक्स 5 years, 10 years, 2 years, 6 months, आई डोंट नो, हर एवरीवन गॉट अ डिफरेंट स्टोरी, मेरा स्टोरी अलग है, मेरे दोस्तों का स्टोरी अलग है, ओके, आपका स्टोरी अलग है, सो प्लीज रिलैक्स, ऑल इज नॉट लॉस्ट, बट 5 exam ही तो फेल हुए हो, 10 ही तो हुए हो। माय फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है ना, आई डोंट नो बोलना चाहिए बोलना चाहिए, आई क्वालिफाई माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर कॉल सेंटर जॉब 23rd attempt, ठीक है ना, गिव अप नहीं किया, मैंने कहा चाहिए बॉस, पहला जॉब चाहिए, 8,000 salary एंड 23 first interview, पॉकेट में 100-200 rupees होते थे ऑटो से जाने के लिए, बस फॉर्मल पहना, फाइल ली और निकल गए, ठीक है, 20 rejection, इतना सारा रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक थ्रो मोमेंट हैपेंड एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई गॉट आई कांट इवन टेल यू। आज मुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दो, आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ, दैट मोमेंट वॉज माई ब्रेक थ्रो मोमेंट, ओके। सो हर किसी की लाइफ में आता है, राइट नाउ आई माइट बी डूइंग समथिंग वंडरफुल, आई डोंट नो, बट दैट मोमेंट वॉज माई ब्रेक थ्रो मोमेंट, जब आई वॉज फीलिंग दिस मच लो, ओके, एंड देन दैट सिंगल इंटरव्यू। तो प्लीज कीप गोइंग, कीप गोइंग, आपको 100 देना पड़ेगा रिजेक्शन, प्लीज गो फॉर इट, इट्स वर्थ डूइंग दैट, प्लीज, ओके। ओके, व्हेन समथिंग हिडन अपीयर्स थ्रो सरफेस, कुछ छिपा हुआ चीज बाहर निकल आए, ब्रेक थ्रो होता है हमारा। हर टैलेंट रियली ब्रेक्स थ्रो व्हेन सी इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, जब वो स्टेज पे आती है तो उसका टैलेंट निकल के आ जाता है, ब्रेक थ्रो। गाइज क्लियर, थर्ड नंबर क्लियर, प्लीज बताओ थर्ड नंबर क्लियर, ओके। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास में, बॉयज डाउन टू, यस, ऑल, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू हैव मनी इन लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू बी द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ओके। यू नीड टू बीप अप योर प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव इन लाइफ, ओके, ओके, देयर विल बी अ ब्रेक थ्रो मोमेंट फॉर यू इन योर लाइफ, ओके, ठीक है ना। चिकन आउट, यस, डू नॉट चिकन आउट, यू आर गोइंग फॉर योर IAS इंटरव्यू, IPS PO इंटरव्यू, डू नॉट चिकन आउट, डू नॉट गेट फियर्ड, ओके, हैव करेज, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल for last 3-4 years, you have been preparing very well, okay, so do not chicken out, chicken out means dar gaya, clear, to refrain from doing something because of fear, because of fear hum log kehta hai nahi, are nahi nahi I will not, theek hai, you are a, like you are a performer, you are an artist, बट घर पे आप करता रहता है सिंगिंग, बट स्टेज मिला यू चिकन आउट, डर गया, डर लगता है, बट चले जाना, डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है, दैट फर्स्ट स्टेप जस्ट क्रॉस इट, बूम, नोबडी कैन डिफीट यू नाउ, ओके। हैना वांटेड टू ऑडिशन फॉर द बॉयज बट चिकन आउट, लेकिन वो डर गई, आई यू श्योर यू आर गोइंग टू डू इट, इट सीम्स टू मी लाइक यू आर चिकन आउट, आप डर गए हो, हे गाइज, are you chickened out for IPS PO exam, please let me know, I think most of you are chickened out, what do you think, please tell me I'm wrong, please tell me I'm wrong, Vishal thank you bhai, okay, come down with, please remember, come down with, when you start to experience the symptom of a disease, take a, come down with is used in reference of a disease, when a disease affecting you na, so that means come down with ho gaya, I have come down with malaria, malaria se ka shikar ho gaya hu main, all right, but I hope na hu main,
ठीक है, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन, ठीक है ना, आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू. तो कम डाउन विद मीन्स डिसीज इफेक्ट हो जाना. गाइस फाइव क्लियर, प्लीज लेट मी नो. अशोक कुमार विश्वाल, यस, ये हुई ना बात अशोक. ओके, हर सन केम डाउन विद द फ्लू, ठीक है ना. कम डाउन विद मीन्स डिसीज, बीमारी से परेशान. माय थ्रोट इज सोर, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद अ कोल्ड. क्लियर, बहुत सिंपल है. कम डाउन विद, क्लियर. चिकन आउट, फियर, क्लियर. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, कट बैक. रिमेंबर शाहरुख खान, आई वॉज वॉचिंग अजय देवगन इंटरव्यू एक्चुअली रिसेंटली सम प्लेस. तो अजय देवगन वॉज टेलिंग द इंटरव्यूअर कि इनिशियली आई यूज टू स्मोक 100 सिगरेट इन अ डे, 100 सिगरेट्स इन अ डे, बट देन ही सेड देन आई कट बैक टू लाइक 10 और 15 और 12. तो कम कर देना क्वांटिटी को, कट बैक. ऑलराइट, कम कर देना यूज को. विनय त्रिपाठी, क्या है आपका क्यूरी? ठीक है, अभी चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है. अगर कोई क्यूरी है तो लेटर ऑन वीडियो पे कर देना नीचे. आप तो मेरे ग्रुप में हो गए ना यार, व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम, उधर डाल देना. कट बैक, व्हेन यू स्पेंड लेस मनी ऑन समथिंग, कट बैक. वो तो पता चला, इफ आई डोंट वांट माई, इफ आई डोंट कट माई स्पेंडिंग आई विल बी आउट ऑफ मनी बाई नेक्स्ट वीक. ओके, व्हेन यू कंज्यूम लेस फूड. ओके, Benny's friends warned him that if he doesn't cut back on food, cut back, कम खाना खाना, कम सिगरेट मारना, quantity कम कर देना. समझ गया कि नहीं आप लोग? Okay, clear? ये देखो, cut back का एक और meaning है, when you do something less often, कुछ काम कम कर दो. It's, तो basically the theme is same, कुछ कम कर देना. The nutrition advises the athlete to lead a more balanced lifestyle by cutting back on training and adding more carbohydrates to his diet. कट बैक कम कर देना. कट बैक जब साथ में लिखा जाता है विदाउट स्पेस, नाउन, व्हेन यूज्ड एज अ नाउन मींस दैट द वैल्यू स्पेंट ऑन समथिंग इज रिड्यूस्ड. कट बैक इज वैल्यू द प्राइस, और कम हो गया है. ऑलराइट, द कट बैक मींस द प्राइस द वैल्यू इन प्रोडक्शन कॉस्ट हैज फ्रस्ट्रेटेड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. तो कट बैक यहां पर नाउन यूज हुआ है, मींस प्राइस एंड वैल्यू. गाइस ये क्लियर हो गया कट बैक? If six clear, please let me know. Mayank Chowski, ठीक है, you have to read daily or memorize at least. There are two way, Mayank Chowski, you have to read of course. In reading, you will find these phrasal verbs 1000 times. Trust me. ठीक है, और and then you have to memorize this like PDFs. So I'll provide the PDFs and please memorize. Please memorize. Okay. And I'll keep teaching in my classes all over again, again and again. मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद है शाहरुख खान ने सिगरेट मारा था, कट बैक. Remember, boils down, chicken out. तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप आते रहोगे. Can you promise me that you will be here every day till your selection? कितना लोग promise कर सकता है? फिर मैं याद दिला दूंगा आपको, ठीक है ना. I'll make sure कि आप सब याद रखो. हाँ गाइज, तो डू अवे विद, ठीक है ना. ओके, तो टू डिस्पोज ऑफ समथिंग, ठीक है गाइज. आई रिमेम्बर कि जब मैन आई वॉज इन हॉस्टल ना, तो जब गांधी जयंती, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, हम लोग क्या करते थे, जितना कचरा हुआ करता था ना हॉस्टल में, देर यूज टू बी 200 स्टूडेंट्स. ओके, जितना कचरा होता था हम लोग सब बाहर फेंक के आते थे. तो टू डू अवे विद गार्बेज, मतलब किसी भी चीज़ को अगर बाहर फेंक दो, डिस्पोज ऑफ कर दो, टू थ्रो आउट द वेस्ट, द गार्बेज, the unnecessary stuff is to do away with. If you have a negative people around you, if you have negative people in your life, on your WhatsApp, please do away with these guys. Please do away with these guys. Bhaga do, block kar do, block kar do. Okay? Ashok Kumar Biswal, for... Okay. I had to do away with everything I was wearing after the skunk sprayed me. Okay. Chalo. Suppose
You are walking on the road, गाना सुनते हुए चला जाता हूँ यूं ही किसी की धुन में. You are singing and आप हेडफोन लगा के इवनिंग में जा रहे हो और बूम एक ट्रक आता है, ट्रैक्टर आता है और पूरा कीचड़ आपके ऊपर आ जाता है. देन यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग ना, ठीक है. दैट इज टू डू अवे विद, टू रिमूव एवरीथिंग सो दैट यू कैन क्लीन योर सेल्फ. ओके, आई होप इट इज क्लियर. जसपाल शर्मा, या ओके. और टू किल समवन, द सेकेंड मीनिंग इज टू किल समवन. ओके, द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू डू अवे विद द थीव्स. द किंग सैड किल द थीव्स. द किंग ऑर्डर्ड हिज, ठीक है ना, हिज मैन टू डू अवे विद द थीव. ओके, द थीव्स. नेक्स्ट, डोज ऑफ. ओके, दिस इज लाइक स्लीप. कितना लोग इसको जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू न्यू द मीनिंग ऑफ डोज ऑफ. ओके, दीज आर ऑल स्टोरी विच हैव बीन आस्क्ड इन एवरी एग्जाम रिपीटेडली. सो प्लीज मेमोराइज, लर्न, वॉच माई वीडियो ऑल ओवर अगेन. देर आर सर्टन स्टोरीज वी हैव टू मेमोराइज. प्लीज डोंट आस्क सर क्या करें, सर हम रट लेगा. आई विल रीड, आई विल वॉच 1000 times. ओके, there is no magic in the world, there is only one magic, that is hard work, practice, that is the magic, trust me. Even magician do that. Even a magician to show his magic, he practiced 1000 times, guys, and you are waiting for some magic. Sir ye kaise kar lu, waise kar lu, ab sir padhna padega. Nahi, job chahiye sir, main lekin I can't do hard work. Okay, then you are a chicken. Somebody will eat you in the competition and you will chicken out. Okay, all right. The doze off kya hota hai? To go to sleep unintentionally. Theek hai na? You are in a meeting, some boring meeting is going on. Okay, and boom, you fell slept. So unintentionally you slept. That is dozing off. Doze off. I was so sleepy on my way home that I dozed off while on the bus and missed my stop. Okay. Hey, quit dozing off. Sona chhod do. This is the best part of the film. कई बार फिल्म में लोग सो जाते हैं. ऑलराइट, फ्लिप आउट. यू आर गोइंग फॉर ए इंटरव्यू. ओके, एंड देन यू आर गेटिंग नर्वस. दिस इज योर फर्स्ट ऑडिशन ऑन डांस इंडिया डांस. ओके, द ग्रेटेस्ट स्टेज एवर सपोज. और देन यू फ्लिप आउट. आप क्या परेशान हो गया, कॉन्फिडेंट गाय हो, टू बिकम वेरी मैड और लूज कंट्रोल ओवर फॉर इमोशंस. ठीक है ना, फ्लिप आउट. यू माइट बी एंग्री, यू माइट चिकन आउट. ओके, तो गुस्सा हो जाना, फ्लिप आउट किसी, ठीक है. यू आर ड्राइविंग अ कार. ओके, एंड देन समबडी टच योर कार एंड यू फ्लिप्ड आउट. ओके, सो फ्लिप आउट मीन्स टू लूज कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. फ्लिप आउट क्लियर? प्लीज डोंट फ्लिप आउट, स्टे स्टे स्टे, डोंट फ्लिप आउट. Okay, she flip out on her friend for sleeping with her boyfriend. Okay, ये तो भाई बहुत ही बड़ा पंगा हो गया. ठीक है, अब यहाँ तो गुस्सा बनता है ना, एक दूसरे का इधर उधर हो जाए तो. I need to leave before I flip out on someone. इससे पहले मैं किसी को थप्पड़ मारूँ, I need to leave. Before I flip out, I should leave. इससे पहले मैं गुस्सा हूँ, I should leave. Okay, follow up. You know this story, right? Follow up, like. ठीक है, देर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन एंड कीप फॉलोइंग दैट प्रोसेस. ओके, सपोज कि यू आर ए काउंसलर इन इंस्टीट्यूट, इन, ठीक है ना, एंड यू नीड टू, यू आर ए इंश्योरेंस एजेंट और समथिंग, तो यू नीड टू फॉलो अप एवरीथिंग टू गेट दैट क्लाइंट. कीप टॉकिंग, कीप इन टच, मेल्स एंड एवरीथिंग, कीप अपडेट्स, कीप अपडेटिंग एवरीथिंग, दैट इज फॉलो अप. ओके, तुम लोग मेरी क्लास में ही मेरा एग्जाम्पल बना रहे हो, बट आई लव दैट. आई लव योर एंथुसियाज्म, आई लव योर एनर्जी, आई लव योर कमिटमेंट. ओके, इट डजंट मैटर, इवन इफ यू से एनीथिंग टू मी, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट यू आर हेयर. ओके, देर आर एक्चुअली द फनी थिंग इज, आई गेट टू और थ्री डिसलाइक्स एवरी डे.
ठीक है ना. आई थिंक इस वीडियो पर अभी तक आ गया होगा. आई मस्ट हैव गॉट यू नो टू और थ्री डिसलाइक. सो आई इनिशियली आई वॉज लाइक हु आर दीज गाइज. आई स्टार्ट माई सेशन बूम टू थ्री लाइक्स डिसलाइक्स डिसलाइक्स. मैंने कहा ओके, बट आई वॉज हैप्पी टू नो दैट हे यू आर माई व्यूअर. You are giving me one view. So thanks to you. Thanks to you for a dislike because you have given me one view. मैं तो views का भूखा हूँ भाई. I need thousands of views. So thank you for contributing. If you're watching this video right now, okay, so you have no idea. You're helping me. So keep helping me. Keep disliking my videos. This way at least you will click na. चलो भाई. Okay. चलो ठीक है. तो टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग, फॉलो अप मीन्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग और टेक फर्दर एक्शन इन अ रिगार्ड. देयर इज वन स्टेप, देन स्टेप टू, स्टेप थ्री, ठीक है ना. सो फॉलो अप, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस. ओके, आई ऑल्सो कॉल्ड अमेजॉन टू फॉलो अप ऑन द ऑर्डर आई प्लेस लास्ट वीक. ठीक है, यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेजॉन एंड देन यू कॉल्ड अमेजॉन, हे व्हाट अबाउट माई ऑर्डर, आई हैवंट रिसीव्ड इट येट. सो यू आर फॉलोइंग अप. इट इज क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ठीक है, आई गिव यू द PDF. सो प्लीज PDF पढ़ लेना एंड आई विल कंडक्ट अ मेगा क्विज बेस्ड ऑन दिस फ्रेजल वर्ब. सो मेक श्योर यू अटेंड माई मेगा क्विज एज वेल. गाइस समझ में आ रहा है ना सबको, याद रख पाओगे. फॉलो अप, चिकन आउट, टू डू अवे विद. टू गेट बैक एट समथिंग. All those people in your life, ठीक है ना, who said कि hey, you are a girl, you can never be a successful person, you can never go to Delhi and live on your own, you can never be an IAS officer, you can never graduate, ठीक है ना. So now it is time to get back, ठीक है ना, at those people. बदला लेने वाले हैं, ठीक है ना, बदले की आग लगी रहनी चाहिए आपके अंदर में. All those people, all those guys, all those girls who dumped you, या फिर who disrespected you, all those uncles and aunties who questioned your ability, get your job and ठीक है ना, get back at them, बदला लो अच्छे तरीके से. समझ गया कि नहीं? To get revenge, खून भरी मांग, बदले की आग, you know, Bollywood movie titles. Got my point? Okay. Guys, can you please share this video once the video is over on Instagram, your Facebook, Twitter, and WhatsApp, okay? Please do that. I need your support to continue this process. If you really like this process, whatever I'm teaching you, the Parajambali stories, the reading comprehension, I'm going to come up with the fill in the blanks as well. I will teach you such tricks you have never heard of, fill in the blanks. A single comma will change your life. Okay, you have heard my punctuation mistakes, but how a comma, a semicolon, a colon can change the way you solve, fill in the blanks. Okay, so you need to stay here every day. I need your support to keep telling my, keep sharing my stories with you. Okay, so please make it 100. ओके, सो आई थिंक आप समझ गए. इट्स अ चाइल्डिश टू. अच्छा गाइज, आई हैव अ क्वेश्चन. चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस? चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, व्हाट इज द डिफरेंस? गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट क्विकली. ठीक है ना, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? Guys, stop chit-chatting, okay? Try to learn this. You have no idea कि एक इनमें से कोई सा आ जाएगा, then you will feel sorry. ठीक है? So please stop chit-chatting. You have been doing all your life for last 5 years. You have been doing this on Facebook, in comment section, Instagram, हर जगह तो करते आ रहे हो. यहाँ तो छोड़ दो भाई. Stop chit-chatting. कहाँ, कब तक करोगे? कब तक करोगे? Okay?
Get over with. Okay. Get over with your nonsense. Get over with your flirtatious attitude. Get over with your, ठीक है ना, laid back attitude. निकलो इस दुनिया से. एक खूबसूरत दुनिया waiting for you. A beautiful, beautiful world is waiting for you. Get over with your negative emotions. Get over with all your distractions. Okay? All right. To finish something that needs to get done. All right. Mary couldn't wait to get her exams over with so she could play with her. I knew I wanted to have kids, so I got all my partying and wild nights over with. ठीक है ना? Got over with. All right. Guys, clear? 12 clear, please type 12 clear, please batao. Paramjit Yadav, thank you. This is the second comment after Radhika. There was one user, Radhika, she said Amitabh Bachchan. In fact, he is my favorite ever. So guys, childlike is a positive word. दोनों बच्चे के जैसा है. Childish, बच्चे वाला, बच्चे जैसा. Childlike, बच्चे जैसा, बच्चे जैसा. Childish is a negative way, a behavior with a negative. Childlike is a childlike enthusiasm, childlike curiosity, childlike innocence. Okay? तो childlike is a very positive word. और childish is a very negative word. That is the difference. Both are related to children, the kids, the child. Child is negative or childlike positive. Clear? Please let me know. Clear? Clear ho gaya hoga. Give in. Okay. Give in, surrender kar dena. Never give in to your, ठीक है ना, क्या बोलूं मैं आपको, कैसे समझाऊं मैं. जैसे कि देर आर सम पीपल इन योर लाइफ, दे फोर्स यू टू डू समथिंग फोर्सफुली, दे आस्क यू टू डू समथिंग, ओके, बट नेवर गिव इन. गिव इन उनकी, नेवर सरेंडर मीन्स उनकी बातों को मानना नहीं है. इफ दोज आर द बैड थिंग्स, if somebody is asking you to do something negative, something bad, never give in. Okay. To surrender or something that you really don't want to do after refraining from doing it for so long. Okay. Suppose 5 years back you used to smoke 100 cigarettes a day, but now your friend is offering you, hey, chalo let's sutta marte hain. Never give in. Give in nahi karna hai. To Jesse sent flowers to Rennie. ठीक है ना, जेसी ने रेने को फ्लावर सेंड किया एवरी मंथ अंटिल सी फाइनली गेव इन. हाँ, ये अच्छा है. सेंड समबडी फ्लावर्स इन अ गुड वे. इफ समबडी लाइक्स यू बैक, तो फाइनली शी विल गिव इन एंड एक्सेप्ट योर फ्रेंडशिप. ओके, गॉट माय पॉइंट? हेलो एवरीवन. Yes, Vinay Tripathi, they are almost same. Fixed prepositions and these almost same hai. ठीक है ना, ज्यादा difference नहीं है. I would say a different name. Okay, okay. The dictator finally gave in to the mounting pro-democracy protest. The dictator finally gave up, surrender कर दिया. To submit something before approval judgment. तो ये हमारा give, ये क्या है हमारा give in वाला? Officially जब document of files, you submit a file in Viva, okay, in your laboratory, in your office, the file given. The students had given in their reports to the teacher before she even had to ask. So given means to submit your reports to your teacher. That is given. So given has two meanings. Surrender, yes. To submit your reports, yes. Guys, clear? 30 number clear? Please let me know. Please let me know. ट्वेल्व नंबर वाले में रिपीट करना है. क्या रिपीट करना है ट्वेल्व में? ट्वेल्व में क्या था? गेट ओवर विद. ओ, गेट ओवर विद मीन्स होता है टू कंप्लीट अ टास्क. ओके, कौन था? प्रियंका गहलोत. फॉर द लास्ट 15 डेज
you have been thinking, okay, I'll complete profit and loss, DI and puzzles. But aap usko kya kar raha hai, postpone karta aa raha hai. So get over with. Get over with this task and be relaxed and doze off. Okay? Get over with. ये देखो हाँ go through with ये साथ में यूज होते हैं गाइज. प्रॉब्लम होगा go through in, go through at, ठीक है ना, तो ये होगा go with. अगर एक वर्ड भी चेंज हो गया गलत आता है. बैंक एग्जाम्स पूछ रहा है इनको, IPS, SBI, RBI, इंश्योरेंस एग्जाम, दे आर आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फ्रेजल वर्ब्स. सो आई एम गोइंग टू टीच यू 100. सो आर यू रेडी फॉर ऑल 100 फ्रेजल वर्ब्स? And please share with everyone so that हर कोई सीख जाए इनको. All right, go over with. So when you make a decision to do something and actually do it, the go through with means to complete a task. Priyanka Gailoth, you were asking me, okay, get over with. So you have profit and loss, DIs and puzzles. And when you have gone through with these topics, means you have completed these topics. When Priyanka Gailoth, theek hai na, has gone through with these three topics, means she completed it. Priyanka, clear? Please let me know. Acha, never give up. Give up is like give up matlab is hota hai ki गिव इन किसी और का प्रेशर में सरेंडर नहीं करना है, और गिव अप अपना खुद का है. डू नॉट गिव अप योर होप, डू नॉट गिव अप योर एग्जाम प्रिपरेशन, ओके, डू नॉट गिव अप ऑन मी, आई विल हेल्प यू, प्लीज ट्रस्ट मी, हैंग ऑन, हैंग इन देयर, ओके, प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन मी. समझा कि नहीं? लेकिन गिव इन होता है एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स यू सरेंडर. किसी और की वजह से कर रहा है तो गिव इन, उसके सामने वो खुद किया तो गिव अप. क्लियर? प्लीज लेट मी नो क्लियर. प्रिया रानी, इज इट क्लियर? हेलो एवरीवन. प्रियंका रानी, लेट मी नो. सो व्हेन यू मेक अ डिसीजन टू डू समथिंग एंड एक्चुअली डू इट, निजिल वेंट थ्रू हिज प्लान, okay, and married his girlfriend despite being nervous about it. ठीक है ना? तो went through his plan. Frank decided not to go through with his plan to move to Europe. Okay. Next देखो, goof around. Hey, those guys who were like chit-chatting in comment section, right, you know, 5 minutes back, to waste time doing silly unimportant things. Now it is my time to get back at you. Everyone, Jaspal Sharma ji, aap to nahi the shayad, kon tha, theek hai, tum log chit-chat, you were chit-chatting in the comment section. Now main aapko bol raha hu, guys, do not goof around in my comment section. Stay focused, stay disciplined, stay excited. I will teach you thousands of stories, but never, never goof around. Don't do silly, stupid things. Don't do childish things. Clear? Hello, everyone. The children goof around outside with the dog. He is always goofing around. Who is that guy? Name the guy who always goof around in the comment section. Next time he will never goof around. He will be focused, completely focused. He will encourage others as well. Okay. Breakout. ये तो आप जानते हो ना, फ्रेड हो जाना. The malaria broke out in the city. ठीक है ना? तो when a disease, ठीक है ना, spreads in the city ना, thoroughly, completely in every part of the city, तो broke out मतलब एक साथ जगह फैल जाना होता है, broke out. तो break out in present simple, broke out past tense. तो to spread. There was a word,
There was a world panic when SARS broke out in China. No, SARS hai ye, SARS. Maybe, I don't know, some disease or whatever. I don't know this thing. But something is bad. ठीक है ना? Because panic हो रहा है ना? तो broke out means spread, फैल जाना. The news broke out that, किसका नाम ले लूँ बताओ? किसको job दिलाऊँ मैं? Raja Lakshmi Sahu cleared IPS PO exam, IPS cleared exam, the news broke out. The news spread in the whole Nimapada. Okay? Our district in Puri district. Huh, okay. Okay? To the... Alright. मैं सब मैं चाहता हूँ कि सब की news broke out हो जाए. You have qualified and finally your struggle is over. The bad time is over. Let's welcome the good time. Today is Ganesh Chaturthi. ठीक है? This is a great day to start all over again and keep trying our best. Okay? And of course, help me in reaching out to thousands of students. So if you know, every students, आप में से सारे लोग जानता है 50 लोगों को कम से कम. Call them, text them कि hey, you ठीक है ना? English में तुम सबको problem है. Watch these videos. Follow my course completely. Ask them to enroll in my plus. Okay? At least free videos unko. Can you promise that? You know 50 students. Sab log ek dusre ko janta hai college se. Swathi, no problem. Okay. Okay. The news about the adulterous affair with the will break out in tomorrow's newspaper. Theek hai na? किसी का अफेयर उल्टा सीधा चल रहा है तो ब्रेकआउट समझ गए आप लोग ब्रिंग समवन डाउन ओके नेवर डू दैट इट्स नॉट अ गुड फीलिंग दिस इज नॉट अ गुड फीलिंग ओके व्हेन यू मेक समवन अपसेट अनहैप्पी ओके बाय डूइंग समथिंग बैड ओके बाय सेइंग समथिंग एनीथिंग डिसरेस्पेक्टफुल यू ब्रिंग समवन डाउन सो प्लीज नेवर ब्रिंग समवन एनीवन डाउन ऑलवेज हेल्प अदर गाइज मोटिवेट अदर गाइज Okay, I know there is so much hatred going on right now. आप भी लोग हो जो comment करते हो YouTube पे PM मोदी मुर्दाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हो राहुल गांधी मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हो Don't do that. Okay, it kills your mind, it kills your innocence, it blinds you. Trust me, you have no idea. आप मैंने कह रहा आप लोग ही हैं ठीक है ना? There are 90% of Indians are blinded, whether they are educated or uneducated, they are blinded. With the news, with the WhatsApp University and Facebook University. So please don't be that. Okay? You guys are completely brainwashed. You have no idea. There are some people in India, they have a propaganda. उन्होंने आपको सब आपको सबको blind कर दिया है. You have आपकी अपनी opinion है ही नहीं. तुम वो जो links forward पढ़ता है वो opinion है आपकी. That's a borrowed opinion. There is no originality left in today's India. 90% लोग blind हो चुका है. ठीक है, so my point is I'm not concerned with I'm not a social reformer, I just teach or I just help students get marks. But my point is never bring someone down. Clear? Clear guys? The boss manages to bring down my mood. Okay, I think clear. Hey, instead of bringing someone down, you need to chip in and help everyone. Instead of bringing someone down, instead of saying negative things about people, you need to chip in and help. You need to contribute and help them. Okay, now my question is, can you chip in for me? Can you contribute towards my success as an educator? Okay. Can you help me reach out to thousands of students in India? Can you chip in? Can you contribute? Okay. वो 2000 के नोट में चिप वाली बात नहीं कर रहा मैं कि सर चिप मांग रहे हैं 200 रुपए की. No. I'm not asking for money. I'm asking for some goodwill. Can you show me some love and goodwill? Reach out thousands of students. Can you chip in? Contribute. Help. Guys, मेरा example help करता है कि नहीं? Because I talk real stories. Do you feel comfortable related? Let me know.
Thanks, Topper Girl. Thanks. I know you will. If everybody chips in. If everybody chips in, I will get 1,000 live viewers. That's my ambition. That's my dream. I'll work for it. I'll work hard for it. But you keep working for your dream, your job. Okay? Job is secondary. Primary thing is training. Complete your training first, guys. You can never be the officer in Indian Army until you complete your training. Same goes for you. Aap log training puri nahi kara, random videos dekhta hai, phir kehta hai ki sir selection nahi hua. Stop blaming other guys. Okay? Stop being, okay, careless. Be responsible. Maths, 3 times coaching. English, 3 times karo. Reasoning, 3 times coaching karo. Phir then 3,000 times practice karo questions ko. Love you 3,000. Okay? Marvel series. If you're a Marvel fan, you will know what I mean when I say love 3,000. Okay, I've been teaching this one, came across, to meet suddenly, theek hai na? Came across, remember, suddenly, no, never used with came across, because came across means to meet suddenly, or when we say na, I suddenly came across Narendra Modi, theek hai na? In London, tumhe achanak se Modi ji se London mein mila, to came across means suddenly, meet, randomly, out of nowhere. तो एक एरर है ग्रामर का. वी डू नॉट यूज सडनली विद केम अक्रॉस. याद है ये वाला रूल सबको. प्लीज फॉलो माई, ठीक है ना? ओके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. आई हैव क्रिएटेड 4 वीडियोज, 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स. प्लीज वॉच. दिस इज द अल्टीमेट ग्रामर रूल्स यू विल एवर सी इन एनी बुक, एनी PDF, ओके, एनी क्लासरूम. आई कैन गारंटी. जाओ कंपेयर कर लेना, तुमने वो सुने तक नहीं होंगे. बहुत सारे रूल्स तो ऐसे हैं उसमें से, ठीक है ना? सो 17 मोस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स प्लीज सर्च ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब. 11 मोस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स प्लीज सर्च. 9 मोस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स प्लीज सर्च. एंड द स्टडीज वीडियो, सर संडे वीडियो, 5 मोस्ट ऑफ ग्रामर रूल्स. आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज विद डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स. आर यू रेडी फॉर द रिविजन एंड शेयर विद एवरीवन? ओके, प्लीज चिप इन, प्लीज चिप इन. Okay, तो आई थिंक यू नो द स्टोरी. एंड द सेकेंड मिस्टेक, कि केम अक्रॉस के साथ में विद नहीं आता है. विद नहीं आता है. केम अक्रॉस सडनली, नो. केम अक्रॉस विद, नो. देर आर 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? कम अपार्ट, टू सेपरेट, फॉल डाउन, ब्रेक डाउन. आई होप नो वन कम अपार्ट इन दिस, in this battle of success, in this competitive exams, okay, in this journey, theek hai, nobody comes apart. Koi breakdown na ho, koi fail na ho, everybody stay hopeful, stay strong, and everybody matlab har kisi ka training pura ho jaye, misguide na raho. Aap, you convince yourself, hey, I need to watch classes, I need to learn classes all over again, I need to learn new concept. तो मगर प्रिपरेशन इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस एवर. ट्रस्ट मी, यू नो दिस स्टोरी. इफ़ यू हैव स्टडीड फॉर 4 आवर्स इन अ डे ना, यू फील सो लाइट, सो कॉन्फिडेंट, यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड. यू नो दिस स्टोरी, राइट? वॉट इफ, आई एम जस्ट वंडरिंग, वॉट इफ एवरी सिंगल डे इफ आई स्टडी फॉर 4 or 6 आवर्स, आई माइट बी ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. एवरेस्ट पर बैठा रहूंगा मैं हर रोज. प्लीज बी seated on Everest, on top of the Everest, every day. It will take 6 hours only. Climb to the mountain Everest. It's a beautiful view out there. It will be a beautiful world if you can study 6 hours a day. You will feel light. You don't need any motivational video. 6 hours.
अनुराधा कुमारी थैंक यू. देखो प्लीज प्लीज वॉच अनुराधा कुमारी कमेंट कि कमा पार्ट आया था कहां पे आया था. अनुराधा बोलो ESI एग्जाम में. ESI एग्जाम में तो आई एम टीचिंग ऑल दी स्टोरीज विच विल अपियर इन द वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम. ट्रस्ट मी यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस स्टोरीज. योर लव्ड वंस योर ब्रदर सिस्टर सबको जाके बताओ कि वीडियो वॉच करना है बिकॉज दे विल इंप्रूव द राइटिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग एंड स्कोर इन एग्जाम्स. उनको अभी से अवेयर कर दो. दे विल से थैंक्स टू यू. ओके फॉर एवर दे विल बी ग्रेटफुल. ओके द फिल्म सी डेकोरेशंस केम अपार्ट हाफ वे टूट गया. द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स केम अपार्ट वंस दे वेंट टू डिफरेंट कॉलेज. ठीक है इन कॉलेज वी आर लाइक ओके ये जिंदगी ठीक है ना मतलब ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे एंड देन फॉल अपार्ट हो जाता है कम अपार्ट हो जाता है. ऑल राइट सो गाइज सो दिस वॉज द सेशन. वी हैव कंप्लीटेड 20. ओके मेरा इरादा था 25 करने का बट एवरी टुमारो अगेन सेम टाइम 12 to 1 PM 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा शो. ठीक है द लैला मजनू शो. हाउ वॉज द शो डिड यू इंजॉय प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज लीव योर फीडबैक कॉमेंट सेक्शन इन कॉमेंट सेक्शन नॉट राइट नाउ नॉट लाइव कमेंट वन द वीडियो इज ओवर उसके बाद कमेंट में आप कर देना. ऑल राइट ठीक है दोज गाइज हु ठीक है हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन आई हैव अ मैसेज फॉर यू. प्लीज बी लाइव सो दैट आई कैन टेक योर डाउट्स एज वेल. आई कैन गिव यू एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. आई कैन गिव यू माई अटेंशन. ओके सो लेट्स बी डिसिप्लिन लेट्स बी फोकस लेट्स क्रिएट अ वंडरफुल फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर. ऑल राइट ठीक है आई विल डिस्कस टुमारो सो प्लीज आओ. देर आर 4 or 5 वीडियोज एवरी डे. वी विल कंप्लीट द सीरीज देन आई विल कंडक्ट अ मेगा क्विज बेस्ड ऑन दिस सीरीज. आई हैव सो मैनी स्टोरीज मैं आगे करूँगा आपको. तो दिस इज द कोड दैट यू शुड नो एंड मस्ट नो एंड इन्फॉर्म एवरी वन कि गाइज हमने तो सीख लिया नाउ इट इज़ योर टर्न. जाओ नरेंद्र सर से इंग्लिश पढ़ लो जा करके. यू कैन नेवर फेल. ओके आप इन समझा कि ना आप लोग 4500 फीस है 1 year फॉर प्लस. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू फॉर एनी वन. ओके वेरी अफोर्डेबल एंड व्हेन इट कम्स टू ड्रीम व्हेन कम्स टू आवर ड्रीम ड्रीम हैज नो प्राइस एट ऑल. ओके हमारे सपनों का प्राइस नहीं होना चाहिए था. चलो ऑल द बेस्ट. प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना. एंड टुडे ओके 5 to 6 ग्रामेटिकल. ओके ग्रामेटिकल सेशन द प्लस प्रोग्राम द पैड प्रोग्राम ऑन अनअकैडमी प्लस. प्लीज रजिस्टर सब्सक्राइब यूजिंग दिस कूपन कोड फॉर 10% डिस्काउंट. ऑल द बेस्ट कीप रीडिंग. ओके एंड कीप स्माइलिंग एंजॉय द फेस्टिविटीज अच्छा खाओ. ऑल द बेस्ट.